मार्केट में एसयूवीज छोटी हो या बड़ी धड़ल्ले से बिक रही है। और अगर हम मिड साइज एसयूवी की बात करें या कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करें जो कि 4 मीटर से थोड़ी सी लंबी है, तो इस सेगमेंट में ना हर कार कंपनी की एक ना एक कार मौजूद है। क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, हायराइडर, एस्टर, कुशाक, टाइगुन, ये सारी गाड़ियां इस सेगमेंट में मौजूद हैं। और अब इस सेगमेंट में होंडा की भी एलिवेट आ चुकी है जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। होंडा एलिवेट के अगर आप लुक्स और डिज़ाइन की बात करेंगे ना, तो ये गाड़ी दिखने में कुछ लोगों को पसंद आएगी तो कुछ लोगों को नापसंद भी आ सकती है। अब इस गाड़ी को अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो ये प्रॉपर एसयूवी वाला फील देती हुई नज़र आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में आपको लॉन्ग बॉनेट मिल जाता है, बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है, और यहाँ पर ये क्रोम बार आप देख रहे हैं ग्रिल के ऊपर, ये भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा नीचे की तरफ ये फ्रंट स्किड प्लेट और ये जो लोअर ग्रिल है ना, ये आपको ठीक नज़र आएंगी। और यहाँ पर अगर आप हाथ मारते हो तो मुझे लगता है कि इसकी क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी। बाकी हेडलाइट का ट्रीटमेंट, फॉगलाइट का ट्रीटमेंट, ये आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और जो हेडलाइट है वो भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। अगर आप रात के समय इस गाड़ी को चलाओगे तो काफ़ी अच्छी रोशनी देती हुई ये नज़र आती है। हालांकि यहाँ पर भी एक छोटी सी जो चीज़ है वो थोड़ी सी अटपटी ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि ये जो बोनेट है और बोनेट और हेडलाइट के बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा अटपटा नज़र आता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो एलिवेट आपको दिखने में लंबी नज़र आएगी और व्हील बेस आपको बेस्ट इन सेगमेंट मिलता है, ऐसा आप कह सकते हो। इतना ही नहीं, बेस्ट इन सेगमेंट आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है 220 mm का। अब 17 इंच के डुअल टोन एलॉय व्हील्स पसंद आएंगे आपको। और साथ ही व्हील आर्च देख सकते हो, ये जो ब्लैक क्लैडिंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रही है। प्रॉपर आपको एसयूवी वाला फील देती हुई ये नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक चंकी सा ORVM और इसके नीचे एक कैमरा। अब ये 360 डिग्री पार्किंग कैमरा के साथ नहीं आती है गाड़ी, इसमें आपको सेम वही चीज़ देखने को मिल जाती है जैसे कि आपको होंडा सिटी में देखने को मिल रहा था। सेम वही फीचर जो साइड कैमरा वाला होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन। ऊपर की तरफ ये जो रूफ रेल्स है ये इस गाड़ी के लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करती हुई नज़र आती है। बाकी रियर प्रोफाइल की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जो LED टेल लाइट्स का ट्रीटमेंट है वो आपको पसंद आएगा। और ये जो टेल लाइट है ना, ये आपको होंडा की जो WRV है इंडोनेशिया में बेची जा रही है उसकी याद दिलाती हुई नज़र आएगी। हालांकि यहाँ पर ये कनेक्टिंग कर दी गई है तो इस वजह से ये थोड़ी सी अलग नज़र आती है। बाकी ऊपर की तरफ शार्पन एंटीना, रियर वाइपर, डिफॉगर, वॉशर, ये आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ये जो रियर बम्पर है और रियर स्किड प्लेट है ये वाकई आपको स्ट्रॉन्ग लुक देती हुई नज़र आती है। इसके अलावा सबसे बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो आपको सेगमेंट में बेस्ट मिल जाता है। 458 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने कितना सारा सामान रखा हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी सारी जगह बची हुई है। अब चलते हैं फटाफट से इसके इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है। होंडा एलिवेट के जैसे ही आप इंटीरियर में आते हैं ना, तो वाकई आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी इस गाड़ी में जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपको नापसंद भी आएंगी। अब देखो इस गाड़ी का इंटीरियर का अगर आप लेआउट देखते हो तो काफ़ी क्लीन और स्पेशियस नज़र आता है। हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी आलिशान भी नज़र आता है अगर आप यहाँ नीचे वाला टेक्सचर देखते हो और ये लेदर फिनिश में इसका डैशबोर्ड देखते हो। फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है 10.25 इंच का, अच्छे खासे टच एंड सेंस के साथ ही आता है। और इसमें ही अगर आप रियर पार्किंग व्यू कैमरे की जो क्वालिटी है वो देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आती है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है। टाइप A USB पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, टाइप C नहीं है, मुझे लगता है टाइप C कंपनी को देना चाहिए था। स्टोरेज स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, चाहे आप ग्लव बॉक्स में देख लो या फिर यहाँ पर आर्मरेस्ट के अंदर देख लो। हालांकि ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडिंग फंक्शन के साथ नहीं आता। अब सीटों की बात करें तो सीटें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीटें हैं कि आप इन सीटों पर जैसे ही बैठते हैं तो आपको अच्छा खासा ये बैकरेस्ट देखने को मिल जाता है। और ये जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है तो 6 फीट या इससे लंबा व्यक्ति बैठेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस गाड़ी में यहाँ पर आपको हाफ पार्ट एनालॉग और हाफ पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी सारी जानकारी आपको ऑफर करता हुआ नज़र आता है। और साथ ही इस गाड़ी में लेवल 2 एडास फीचर्स भी दिए जा रहे हैं जो कि कैमरा बेस्ड है, रेडार बेस्ड नहीं है। तो इसी वजह से आपको बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि दूसरी अन्य गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एस्टर वगैरह में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको कैमरा बेस्ड जो जो फीचर्स हैं 5-6 एडास लेवल के वही देखने को मिलते हैं, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की पसेस, जैसे इमरजेंसी ब्रेक और फ्रंट कॉलिजन वार्निंग। अब रियर सीटों पर जाएँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस गाड़ी में आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आने वाली। देखो, इस गाड़ी में बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपको नहीं मिलेगी, छोटी सी मिलती है, इलेक्ट्रिक सनरूफ है। बाकी जो IRVM है वो आपको अच्छी खासी क्वालिटी का देखने को मिल जाता है और इलेक्ट्रोक्रोमिक भी है। अब होंडा एलिवेट के अगर आप रियर सीटों पर आते हैं तो 2650 mm इस गाड़ी का व्हील बेस है और उसी व्हील बेस का सीधा फ़ायदा आपको इस गाड़ी के इंटीरियर में यहाँ पर रियर सीटों पर देखने को मिलता है। आपको अच्छा खासा लेग रूम देखने को मिल जाता है और अच्छा खासा आपको हेडरूम भी देखने को मिल जाता है। अंडरनीथ थाई सपोर्ट आपको ठीक ठाक मिलता है। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा सुधार हो सकता था। खैर, 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन बीच में जो बैठेगा उसके लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसके लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर बैठता है तो उतना ज़्यादा आरामदायक अवस्था में नहीं बैठेगा और बीच में बैठेगा भी ना बंदा तो उसके लिए लेप बेल्ट है, कोई 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं है। बाकी सीटें काफ़ी चौड़ी हैं और 2 लोगों के लिए काफ़ी अच्छे खासे डिज़ाइन के साथ आती हैं। कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया है अगर 2 लोग यहाँ पर बैठते हैं और उनके लिए यहाँ पर अच्छा खासा बैक एंगल रेस्ट भी मिल जाता है और काफ़ी आरामदायक सीटें यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। 2 एसी वेंट्स मिल जाते हैं और नीचे की तरफ यहाँ पर 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कंपनी को इस टॉप वेरिएंट में ना 2 टाइप C या फिर एक टाइप C USB पोर्ट ज़रूर देना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है गाड़ी में 4 लोग तो कम से कम बैठेंगे और उनमें से 2 या 3 लोगों को फ़ोन चार्ज करना है तो वो थोड़ी सी दिक्कत झेल सकते हैं। स्टोरेज स्पेस आपको गाड़ी में ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। आप इजीली 1-1 लीटर की पानी की बोतल के अलावा भी थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। बाकी माहौल बनाने के लिए गाड़ी में जो म्यूज़िक सिस्टम है वो ठीक ठाक मिल जाता है। 8 स्पीकर्स कंपनी इस गाड़ी में ऑफर कर रही है। होंडा एलिवेट में कंपनी ने 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन दिया है जो कि होंडा सिटी में भी मौजूद है। हालांकि कंपनी ने इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन का विकल्प नहीं दिया, जो कि एक मायूसी वाली बात भी है, क्योंकि इस सेगमेंट में आपको मारुति की ग्रैंड विटारा और टोयोटा हायराइडर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का विकल्प मिल रहा है। एलिवेट में मिलने वाले इंजन की पावर 121 PS और टॉर्क 145 Nm है। अब इस सेगमेंट में देखा जाए तो आपको कोई और गाड़ी नॉर्मल 1.5 लीटर इंजन के साथ इतना ज़्यादा पावर आउटपुट नहीं देती है। हालांकि टर्बो इंजन वाली गाड़ियां आपको ज़्यादा पावर आउटपुट और ज़्यादा तेज तर्रार देखने को मिल जाती हैं। ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है। हमने उदयपुर की सड़कों पर दोनों ही ट्रांसमिशन वेरिएंट को चलाया। इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड और NVH लेवल्स पर कंपनी ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कछुए जैसी धीमी रफ्तार भरनी हो या फिर खरगोश जैसी तेज तर्रार रफ्तार, इंजन से आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि CVT ट्रांसमिशन आपको सिटी और ट्रैफिक में काफ़ी बढ़िया अनुभव देता है, लेकिन अगर आप सिटी से निकलकर हाईवे पर एकदम से तेज तर्रार रफ्तार में चलाने की इस गाड़ी को कोशिश करते हैं तो CVT से मिलने वाला रबर बैंड इफेक्ट साफ देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ड्राइव थी तो गाड़ी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया, लेकिन चलाने में मज़ा तो हमें मैनुअल को ही आया। अब बात करते हैं राइड क्वालिटी को लेकर। तो राइड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सस्पेंशन थोड़े से स्टिफर साइड हैं तो जो छोटे मोटे गड्ढे हैं वहाँ पर आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं तो वहाँ पर अंदर आपको झटका ज़रूर फील होता है। लेकिन तेज़ तर्रार रफ्तार में अगर आप इस गाड़ी को चला रहे होते हैं और तेज़ मोड़ पर मोड़ने की कोशिश करते हैं या मोड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता है और ना ही आपको ऐसा फील होता है कि गाड़ी कहीं डगमगा रही है। पूरी तरह बैलेंस्ड राइड का अनुभव ये कराती हुई नज़र आती है। अब ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में भी आपको किसी तरह की कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है, फिर भी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। अब आखिर हम बात करते हैं होंडा एलिवेट को खरीदा जाए या नहीं। अगर कंपनी इस गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए से शुरू करती है और 15 लाख रुपए तक ले जाकर ख़त्म कर देती है तो ये गाड़ी उन लोगों को ज़्यादा पसंद आ सकती है जिन लोगों को लुक डिसेंट चाहिए, गाड़ी स्पेशियस चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए और साथ ही पावरफुल इंजन के साथ भी चाहिए। अब पावरफुल इंजन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ एक इंजन मिलता है। जो इंजन है अगर उस इंजन की तुलना आप सेल्टॉस के 1500 सीसी वाले नेचुरली एस्पिरेटेड क्रेटा के 1500 सीसी वाले नेचुरली एस्पिरेटेड से करते हैं तो वाकई आपको ये गाड़ी पावरफुल नज़र आएगी। चलाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज भी आपको अच्छा खासा ये गाड़ी ऑफर कर देती है। ओवरऑल आपको होंडा एलिवेट का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि होंडा एलिवेट में क्या कुछ खास है, क्या कुछ खास मिल सकता था, इस बारे में जानना चाहते हैं।